हिंदुत्ववादी नेते। आणि आता अश्विनी वैष्णव हे देखील मंत्रिपदाची शपथ घेत आहेत। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तर माजी रेल्वे मंत्री राहिलेले अश्विनी वैष्णव यांनी आता पुन्हा एकदा मंत्रिपदाची शपथ घेतलेली आहे। माजी IAS अधिकारी राहिलेले आहेत अश्विनी वैष्णव। 8 जुलै 2021 पासून ते भारत सरकारमध्ये रेल्वे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री म्हणून त्यांनी कार्यभार सांभाळलेला आहे। 2019 ते राज्यसभेवर निवडून आले आणि ओडिशा राज्याचं प्रतिनिधित्व त्यांनी केलेलं आहे आणि आता पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये ते केंद्रीय मंत्री म्हणून शपथ घेत आहेत।